में का चम्मच उम्मच रखा करो, बिटवा दरोगा बन गया है। अफसरों का आना जाना होता रहेगा कभी कभार। हम तो बस हवलदार ही रह के रिटायर हो गए। अरे बाबा, हवलदार भी आला दर्जे के रहे तुम, नहीं तो ऐसा घर कहां से बन जाता। तो सब तो ठीक है बेटा, एक बात बताएं बिटवा, ये सब कुछ आसान नहीं था और अब भी आसान नहीं है। दो दो लड़कियां गंगा जमुना की तरफ बढ़ती चली आ रही, अभी शादी ब्याह की मुख्तारी तुम पर है इनकी। क्यों चिंता करते हो पापू, घर और सवारी तो सरकार से मिल जाएगी, खाने पीने का खर्चा निकाल के बाकी तनख्वाह तुमको भिजवा दिया करेंगे। बेटा, महीने की तनख्वाह तो पूरन मासी का चांद है, एक दिन पूरा होता है फिर घटते घटते गायब हो जाता, चढ़ावा तो बहता चश्मा है, जितनी प्यास लगे उतना पानी मिले। ऊपरी रिश्वत की बात कर रहे हैं? रिश्वत की बात नहीं, मैं चढ़ावे की बात कर रहा हूं। तनख्वाह तो सरकार से मिलती है, चढ़ावा गैप से आता है, उसमें श्रद्धा होती है, भगवान की बरकत है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 दीवान जी। जी मालिक। मैं 3 बार गिन चुका हूँ, 3 बोरियां कम है। जी मेरे हिसाब से तो 75 ही बनती है। और हैं 72, आप चाहें तो फिर से गिन लीजिए। नहीं, आपने गिनी है तो ठीक ही होंगी। फिर गोदाम में 3 बोरियां कम है, आपके खाते में 3 ज्यादा होनी चाहिए। जी जरा गौर से हिसाब देखिए, नया नया नमक का महकमा कायम हुआ है, ऐसा ना हो कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए, 3 बोरियों का घाटा कम नहीं होता है। लाइए। हमें क्या खबर थी, मालिक खुद चलकर एक एक बोरी गिनेंगे। 8-10 दिन गुजर जाते तो हम कहीं ना कहीं हिसाब खाते में दबा जाते 3 बोरियां। अरे भैया, ये पंडित बड़ा ही कूड़ आदमी है, अब देख लेना, 1-1.5 महीने में सारा माल गायब हो जाएगा और बिना महसूल दिए गांव से बाहर निकल जाएगा। ये कालाबाजारी आज से चल रही है? अरे भैया, ये तो तब से चल रही है जब से आ रहे आए थे इस देश में। वो तो है, और माल 300% के मुनाफे में जाएगा। हाँ भैया, तभी तो तिजोरियां भरी जा रही हैं। अरे तिजोरी में तो फिर भी डाके वाके का डर रहता है, अब तो भैया शहर ही में माल का रोकड़ा बनाया और वहीं बैंक में जमा कर देते हैं, हाकिमों का लेन देन भी वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये अंग्रेज कलेक्टर भी रिश्वत लेता है क्या? और क्या, वो क्या साबुन से धुल के गोरे हुए हैं? व्यापारी हैं व्यापारी भैया, इसीलिए तो आए थे इंग्लिस्तान से। अच्छा, काम आज ही रात में पटा लेना और किसी को खबर ना। लेकिन वो चौकीदार, पहले उसने माल निकलवाने का पैसा लिया, अब माल बाबत रखवाने का पैसा लेगा। अरे तो 2-4 रुपल्ली दे देना, और बहुत मांगे तो गुड़ की डली और गांजे की पोटली थमा देना बस। ओह सर, वेल एंड बॉन्सी डर, यू आर डूइंग फाइन। थैंक यू सर।
जमुना बड़ा हरामी अफसर है, ना खाता है ना खाने देता है। इसलिए तो अंग्रेजों की नजर में चढ़ गया है। 2 साल में 3 बार तरक्की मिल चुकी है, हर कोई इसे अपने महकमे में लेने को तैयार है। नया सिक्का तो हाथों हाथ चलता है, थोड़ा घिस जाए तो देखेंगे। बांधे और खाना दे। अरे प्रणाम। अरे अरे जूते पहन के कहाँ आ गया रसोई में, जा उतार के आ। दोस्त ये लो, ये लो। अब पहला वो हाँ प्रणाम जीता रहे, खूब बड़ा अफसर बन जा। माई हाँ ये क्या माई, तेरी चादर अब भी वैसे ही फटी की फटी है। दे हर महीने तनख्वाह भेजी, क्या बापू ने नई चादर ना लेके दी? अरे हमारी चादर भी आ जाएगी रे, तुम्हारी बहनों के लिए नए कपड़े ले दिए हैं इस बार संक्रांति में। 250 रुपये भेजिए, क्या सब इसी में उठ गया? ना रे, थोड़ा थोड़ा बचाना भी तो है ना दहेज के लिए। हाँ। नहीं तो बेटियों का बोझ कैसे उतरेगा। ला माँ, तेरी चादर ना बदली तो क्या फायदा हमारे दारोगा होने का, हेड पहनने का? सबसे बड़ा फायदा तो यही है, बड़ी के रिश्ते के लिए लोग पूछने आते हैं। हाँ? हम ना गए किसी की यहाँ मिन्नत समाजत करने। करन, आओ बरकुदार। बड़े ओहदे पे लग गए हो, दारोगा से बड़े दारोगा बन गए। लेकिन हमेशा ओहदे पे नजर रखना बेटा, ओहदा पीर का मजार है, निगाह हमेशा पीर के चढ़ावे पे रखनी चाहिए। आदमी को देखो, जरूरतमंद होगा तो कुछ दे के जाएगा। बेगरज को क्या देखना, उसे ना भगवान देता है ना वो तुम्हें कुछ देगा। वजीर का? यस सर। जरा हेड लाना। रोको रोको गाड़ियां रोको। क्या हुआ जमना? चलो क्या है ये सब, गाड़ियां किसकी है? नमस्कार साहब। रुको जमना संभालो। हजूर
किसकी गाड़ियां हैं? अपनी, जमींदार साहब की। कौन जमींदार? अपने पंडित अलोपी दीन जी। दातागंज वाले जी, आप जानते हैं उन्हें? बड़ी पहचान है उनकी, बड़े रसूख वाले लोग हैं साहब। जानता हूं जानता हूं। तो आप लोग गाड़ियों में कहां तक जाएंगे? जी कानपुर। कानपुर तक? कानपुर तक बैलगाड़ियों में जाएंगे? नहीं, बैलगाड़ियों से तो घाट तक जाएंगे, वहां से माल बजरे पे जाएगा। क्या माल है? जी वो हम पूछते हैं, क्या माल है इन बोरियों में, क्या लदा है? अच्छा, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए रात के अंधेरे में माल उतारा जा रहा है। बोलोगे तुम लोग कि हम बोरियां खुलवाएं? क्या बदलू सिंह, सब बोरियां खुलवाओ। ऐसा जुल्म ना कीजिए सरकार, नमक है, खुल गया तो मिट्टी हो जाएगा। इन सभी को हिरासत में ले लो और माल समेत गाड़ियां ऊपर कोतवाली में ले चलो। चलो हुजूर, मुझे एक घंटे की मोहलत दे दीजिए, मालिक को बुलवा लेता हूं। दातागंज दूरी कितना है सरकार, बस गया हो रहा। ठीक है, मैं 15 मिनट की मोहलत देता हूं, 15 मिनट में उन्हें लेकर आइएगा। नहीं तो हम ऊपर कोतवाली में मिलेंगे। जी जी जी, अभी लाया सरकार, बस अभी लाया। अरे भोपू भाई, गाड़ी निकाल पीछे वाली जल्दी। क्या है? दीवान जी आए, घाट पर गाड़ियां पकड़ ली, दरोगा ने सभी को हिरासत में ले रखा है। अरे, ये दीवान भी पागल है, ये दरोगा रात के 2 बजे क्या कर रहा है वहां? बाबूजी आशीर्वाद, हमसे क्या खता हो गई जो हमारी गाड़ियां रोक दी आपने? हम ब्राह्मणों पर तो आपको दया आनी चाहिए। ये नमक की गाड़ियां कहां से आ रही हैं और कानपुर किस लिए जा रही हैं? अरे साहब, नमक छोड़िए, आप कोई मीठी बातें कीजिए। नमक का नया कानून और सरकारी हुक्म जानते हैं आप? हमारे तो कानून भी आप हो, सरकार भी आप हो, बस हुक्म कीजिए, आपकी सेवा में कितने पेश करूं? आप रिश्वत देने की बात करते हैं? गिरफ्तार कर लो इन्हें। बदलू सिंह, गिरफ्तार कर लो इन्हें। वजीर खां, क्या कर रहे हो? आओ। दारोगा साहब, ऐसा ना कीजिए, हमारी इज्जत का सवाल है, हमें गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा होगा? ये हमारा हुक्म नहीं, कानून का है। दीवान जी। जी मालिक। साहब को 1000 का नोट पेश करो, दारोगा साहब को हमारी जुबान पर एतबार नहीं है। आप बंद कीजिए अपनी जबान, वरना काला बाजारी के अलावा रिश्वत देने के जुर्म में भी धरे जाएंगे। अरे नहीं साहब, मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूं, हम शुक्राना पेश कर रहे हैं। 1000 नहीं तो 10,000 पेश करो। अच्छा, लगता है आप इस तरह बाज नहीं आएंगे। मैं 30,000 दे सकता हूं, वो भी नमक के खातिर नहीं, अपनी इज्जत के खातिर, और रकम कल सुबह तक आपके घर पहुंच जाएगी। वजीर खां। जी साहब। हथकड़ी लगाओ इन्हें, रात भर हवालत में रहेंगे तो अपने आप अकल आ जाएगी। देखिए साहब, आप हथकड़ी लगाओ। लो, एक और बेड़ा गर्क कर दिया साहबजादे ने। अब क्या हुआ?
दातागंज के जमींदार पंडित आलोकी दीन, उन्हें हथकड़िया पहना रहा है तुम्हारा बेटा। पता नहीं कहां से सुनकर चले आए हो। सुबह से आसपास के 10 गांव में ये बात फैल रही है। मगर कहा किसने तुमसे? अरे दीवार पे बैठे कौवे भी यही चिल्ला रहे। गली के किसी भी बच्चे से पूछ लो, यही कहेगा अकल का अंधा है, इतने बड़े आदमी पे कोई हाथ डालता है, है? पहले पता तो करो वो कौवे हैं कौन से। अरे बुढ़िया अकल के नाखून लो, 40,000 रुपए दे रहा था चढ़ावा में, और ये इस उल्लू के पट्टे ने इनकार कर दिया और कहने लगा अदालत दिखाऊंगा तुम्हें, नौकरी करने का सलीका तो आता नहीं, कितनी बार समझाया। खुद ही कहते हैं कि बड़ा बनना है और अब बड़बड़ा रहे। पंडित आलोपी दीन, दारोगा बंशीधर, पकड़े हुए माल का सबूत पेश किया जाए। मशकूक माल दिखाया जाए। हमने तो पहले ही कहा था नया सिक्का है, थोड़ा सा घिस जाए तो देख लेना। मगर भैया वो तो ऐसे घिसे कि गायब ही हो गए। बदली हो जाती या कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किए जाते तो बात समझ में आती, लेकिन ये तो बिल्कुल बर्खास्त कर दिए गए, वो भी अपने फर्ज अदायगी के लिए। अरे भाई ऐसा है कि पंडित आलोपी दीन के कहने पर कलेक्टर साहब ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। अब ये अंग्रेज कलेक्टर भी तो जमींदार साहब के न जाने कितने एहसान हैं उन पर। अब अपने इलाके में शिकार करने की दावतें कौन देता है इन सबको? विलायत से ही आए ना, कोई जन्नत से तो उतरे नहीं है ना। लानत है ऐसी समझ पर, पढ़ाना लिखाना सब अकारत हो गया। पढ़ लिख के लोग सियाने होते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, मारी तो मत मारी गई। सर फोड़, अपना भी और तुम्हारा भी। मारे मुंह पे तो काले उतर गए। ऐसा नालायक लड़का निकला है, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अरे माफी मांग, पांव पड़ हुजूर के। नमस्कार। नमस्ते। अब ऐसी औलाद को क्या कहूं हुजूर, पढ़ा लिखा। अरे गंगाधर, तुम रहे हवलदार के हवलदार ही, ना तब समझते थे और ना अब समझते। अरे घूरे में एक फूल खिला, सबने देखा पर तुमने उसे नहीं पहचाना। तुम्हें तो फक्र होना चाहिए ऐसे सपूत पर। कितने लोग हैं आज जो अपनी दयानतदारी के लिए दौलत को लात मार दें, ओहदा छोड़ दें,
दारोगा साहब, इसे जमाना साजी ना समझिएगा, ये दुनियादारी नहीं है। मैं दुनियादारी का रहा होता तो खुद हाजिर नहीं होता आपके दरवाजे पर। अब खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं अब दारोगा नहीं हूं। आप शायद नहीं जानते मेरी नौकरी तब। मैं जानता हूं, मेरी वजह से आपकी नौकरी गई है, लेकिन आपने मेरा दौलत का सारा नशा उतार दिया, चूर चूर कर दिया मुझे। उस रोज आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे, अब मैं खुद गिरफ्तारी के लिए हाजिर हूं। ये क्या है? मैं आपको अपने अमले सारे का दीवाने आली मुकर्रर करना चाहता हूँ। दीवाने आली मतलब अंग्रेजी में जनरल मैनेजर। आप खुद पढ़कर देख लीजिए, इसमें मेरे दस्तखत भी हैं। ये रहे मेरे दस्तखत, 10,000 सालाना तनख्वाह और सवारी के लिए एक घोड़ा और एक ऐसा ही रथ आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। नहीं, नहीं पंडित जी, मैं इतने आला रुतबे के काबिल नहीं हूं। देखो, अब मेरे मुंह से अपनी ज्यादा तारीफ मत सुनो। और हाँ, इसे रख लो, ये एक पेशकी है। जी नहीं। गंगाधर जी, आप रख लीजिए, दोनों बेटियों की शादी के काम आएंगे। मैं चलता हूं। अरे बस बस जी। La 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 la